आइए अब हम प्रसंग में प्रवेश करेंगे, तो सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, बच्चों को सबको बैठा लीजिए। तो यहां पर भगवान मथुरा आ गए। अब भगवान को राजा बनाया गया। भगवान राजकाज का काम सब अच्छे से संभालते थे, पर उनको वृंदावन की बहुत याद आती थी। अब इतना किसी को बोल भी नहीं सकते, तो वो खुद ही में कभी याद आए तो उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी, खिड़की में जाकर खड़े होते थे, क्योंकि उस खिड़की से यमुना नदी का तट दिखता था। तो जब उनको याद आती है वहां खड़े हो जाते कि मुझे कोई दिख जाए, किसी एक का भी चेहरा दिख गया तो थोड़ा उनको शांति मिलती। अब मथुरा में भगवान के साथ उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव जी। भगवान के उद्धव जी सबसे अच्छे सखा थे, और सखा होने के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। वो भगवान जैसे दिखते, वो भगवान जैसे बात करते, ज्ञान में बहुत बड़े ज्ञानी है उद्धव जी। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की है, तो हर चीज थी उनमें, सिवाय उद्धव जी ज्ञान को सबसे ऊपर मानते थे। ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनको लगता था ज्ञान थी सबसे ऊपर है बस। पर भगवान जानते थे ज्ञान से भी ऊपर एक वस्तु है, प्रेम। लेकिन प्रेम कौन सा? हमारे आपका नहीं, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ। ऐसा प्रेम दुनिया में हर चीज से ऊपर है। पर ये बात उद्धव जी, उनको समझ नहीं आती थी ये बात। तो भगवान मौके के तलाश में थे, भगवान मौके के तलाश में थे कि मुझे कोई मौका मिले और मैं इसको प्रेम तत्व समझाऊं। मौका मिल नहीं रहा था उन्हें। अब एक दिन भगवान को, भगवान राजकाज के काम सब खत्म करके अपने कमरे में आ गए। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही, उनका मन नहीं लग रहा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी काम खत्म किए और आकर खिड़की पर खड़े हो गए। भगवान कहते आज कोई दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, अरे कोई गोपी दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए। इतने में ही भगवान देखते हैं, भगवान को काफी समय हो गया है आए हुए, तो अब नए नए ग्वाले आ गए हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं। जैसा होता है ना कि हम अपने स्कूल जाए कभी, अब बड़े होने के बाद, तो ऐसे नए बच्चे आ गए हैं, लेकिन वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है कि हम यहाँ बैठते थे, या हम ऐसे करते थे, हम यहाँ खड़े होते थे। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान को याद आ रहा है कि ये तो वही समय है जब मैं, श्रीदामा, मुद मंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। भगवान कहते ये निश्चय वही समय है। और भगवान को इतनी याद आई कि कुछ देर के लिए भगवान भूल गए कि भगवान कहाँ है, और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, अरे भैया जल्दी चलो, आज तो बड़ी देर हो गई, आज माता बहुत चिल्लाई। पर जब ध्यान भटकता है तो उन्हें समझ आता है कि वो तो मथुरा में बैठे हैं। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, फूट फूट कर रो रहे, यानी इतनी तेज रो रहे हैं कि बगल के कमरे में उद्धव जी थे उन तक आवाज पहुंचती है। वो भाग कर आते हैं, भगवान को गले से लगा लेते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये दुख सुख रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे हैं। भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरे नंद बाबा की बहुत याद आती है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी।
अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको कोई सुख नहीं दिया, हर वक्त दरवाजे पे कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया, पर इसके बावजूद उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। तुम्हें पता है एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से लौटा तो वो मुझे गले से लगाकर रोने लगी। वो कहती है कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, मुझे इतनी बेचैनी होती है, तू घर समय पर आ जाया कर। उसके बाद मैं कभी घर देर से नहीं लौटा, पर आज कितना समय हो गया है, मेरी माँ कैसे रह रही होगी मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जान मूंछ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा कि बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी मैया चिल्लाएगी ना, और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। भगवान कहते उद्धव मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम्हें पता है एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया वो गरीब है, अरे वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो धन आता है वो उसी से भोजन करती है, तो इतना नुकसान करता है, चोरी करता है, वो उस दिन क्या खाएंगी। तो मैं कई दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया। पता है कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई, आकर कहती है कि कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं, अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, पर असल में भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर चोरी करने नहीं आता। कि आज क्या गलती हो गई कि वो घर नहीं आया। गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। मैं देख सकती हूं यहां कितने भक्त जिनकी आंखों में आंसू आए हैं। उद्धव जी को कोई असर नहीं होगा। उद्धव जी क्या जवाब देते हैं इन बातों पर? उद्धव जी कहते हैं तो प्रभु इसमें इतने रोने की क्या बात है, आप ज्ञान से उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुमको कैसे पता वो अनपढ़ है? उद्धव जी ने कहा वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक ही वर्ष गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी कहते प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उनको सिखा ना सका, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। बोले हां। बोले तुम ब्रज जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ, और ज्यादा नहीं नंद बाबा यशोदा मैया और गोपियां इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़े और ज्ञान के मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है। तो जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपना मुकुट दिया, पीताम्बर दिया, कुंडल दिए। उद्धव जी ने कहा इन सब की क्या जरूरत है? भगवान कहते इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, क्योंकि इनसे एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया। भगवान के वस्त्र है ना, उसमें भगवान की सुगंध है, वो भगवान की सुगंध पहचानती है सब।
तो एक बार के लिए वो अपनी आंखें ऊपर करेंगी कि शायद कृष्ण आ गया, वरना तो तुम उनके पास से चले जाओ, वो तुमको देखे ना। ठीक है, पहुंचते हैं, ब्रज पहुंचे। पहले वो नंद बाबा के पास जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ गुजरिए जा रही थी, उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपियों ने कहा मथुरा से आए हो, तुमको कैसे पता? बोले मथुरा वासी पूछते हैं, बाकी वृंदावन में तो ऐसा कोई नहीं है जिसको कृष्ण का घर ना पता। उद्धव जी ने कहा है? बोले ये जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर हो। उद्धव जी आगे बढ़ने ही लगते हैं कि गोपी ने कहा और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है, वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। नंद बाबा के पास पहुंचते हैं, वो घर के बाहर जाके आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंद राय हूं। जो हुलिया कृष्ण ने बताया था उससे वो इतना भी मेल नहीं खा रहा है। प्रणाम करते हैं, अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा ने कहा थके हुए लग रहे हो, भूख लग रही होगी ना, मैं भोजन लेकर आता हूं, लेकर आता हूं, उनके खुद के घर में नहीं है। अब उद्धव जी उनके जाने के बाद उनका रसोई घर देख रहे हैं, तो रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में खाना ही नहीं बना। बाहर से लाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। अब बात करने ही लग रहे हैं कि इतने में यशोदा मैया आती है कि किससे बात कर रहे हो? उनकी पहली नजर उद्धव जी पे पड़ती है और वो जोर से चिल्लाती है, कन्हैया तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है जब कन्हैया छोटा था ना तो वो रोता था तो मैं अपने सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माँ कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी ने कहा मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने कहा कि जाकर यशोदा से कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। जब भगवान वहां पर पहली बार आए थे तो देवकी माता ने यशोदा मैया से बात की थी कि वो क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, मैं क्या बनाऊं उसके लिए। तो देवकी माता अब जवाब में कह रही है कि तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर बाहर घूमता रहता है, घर में कदम नहीं रखता, पर यहां तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखता। चंचलता तो दूर की बात, मैंने आज तक कन्हैया को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कृष्ण मुस्कुराता कैसे है? तूने कहा था वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तू उसे 8 बार भोजन करवाती है। यहां मैंने एक दिन उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, तो जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था वो उस दिन थाली छोड़कर चला गया। क्यों? कमरे में जाकर भगवान कहते कि उद्धव देव की माता से कहना कि मेरी थाली में गौरस से कोई बनी मिठाई ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है,
इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा ने कहा ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। नंद बाबा उद्धव जी को बता रहे मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं, पर हमारा बेटा चोरी करता था, तो ये हर घर जाती है और जाकर पूछती है कि कन्हैया ने चोरी की है ना, तुमने उसे बांध के रखा है ना, उसको लौटा दो, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, मैं उसको घर पे बांध के रखूंगी, बस उसको वापस कर दो। वृक्षों से कहती है तुमने कन्हैया को देखा क्या, अरे वो रास्ते से गुजरे तो उसको बताना, उसकी मैया उसको बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से कहती है तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी ना, अरे उसको बोलो ना वो वापस आ जाए। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते बाबा आप सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण ने आपके यहां अवतार लिया, पर वो किसी का बेटा नहीं है, अरे वो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहते मैंने तो तुमको कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें? अरे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है जिसके पास, वो खुद भूख से तड़प सकता है। मैंने कृष्ण को भूख से तड़पते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि वो इंतजार करता था कि कब यशोदा काम खत्म करे और उसको अपने हाथ से खिलाए। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई, मैंने उसे बेटा कहा, क्या भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहते उसने मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता। वो कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरों। तुम कहते हो वो भगवान है। अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद उद्धव जी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा और तुमको क्या लगता है, तुम्हारा ये कह देना कि वो मेरा बेटा नहीं भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख, कि मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये सोचकर जी रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, कई बच्चे होते हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो मैं यही सोचता था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। कईयों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, उसके भरोसे जीऊंगा। पर आज तुमने मुझे क्या बता दिया, तुम्हारे बोलने के हिसाब से भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए, अब मैं किसके लिए जीऊं? सच्ची बात है, छह दिन से मैं भी आपको क्या समझा रही हूं, कोई भी आपको यही समझाता है कि कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है सिवाय तो उसके भरोसे जियो, पर यहां उद्धव जी के ज्ञान के हिसाब से तो भगवान ही नंद बाबा का घर छोड़कर चले गए, यानी अब उनके पास उम्मीद किस चीज की है जीने की। अब नंद बाबा और रो रहे हैं। नंद बाबा कहते ये क्या कह दिया तुमने तो मानो मेरे दुख में जो आग है उसमें और घी डाल दी, तुम क्यों आए यहां पर? उन्होंने रोते रोते अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं कि कुछ गोपियां दिख रही है जो आपस में बात कर रही है। क्या बात कर रही है? गोपी कहती अरे ये सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे। दूसरी गोपी ने कहा तुम्हें याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था।
बोले अब क्या लेने आया है। वो कहती है अरे कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसे जाते हैं। तो परोसे भी जाते होंगे तो मांस यहां कहां मिलता है, हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। उसने कहा अरे ये मथुरावासी बड़े चालाक है, उनको पता है जब से कृष्ण गया है तब से वृंदावन शमशान घाट बन गया है, यहां सब मृत घूम रहे हैं, किसी में जान बची नहीं। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो एक गोपी कहती है तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो दे दोगी? क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सब काम वही देख रहा होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा कि किस गोपी का हृदय है। हम उससे नहीं मिल सकते, वो हमारे हृदय ही देख ले कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है, ऐसे भाव है गोपियों के। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भजन गाती थी और भगवान रोज आते थे सुनने। एक दिन भगवान ने सोचा थोड़ी परीक्षा लेते हैं, तो भगवान नहीं आए। अब वो रोए जाए गाए जाए, भगवान आ नहीं रहे। अंत में वो इतनी हार गई कि वो एक पेड़ के नीचे गा रही थी। पेड़ पर एक कौआ बैठा था, बहुत आवाज कर रहा था। तो वो उसको क्या बोलती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागज तू ले जा। कि तुझे भूख लग रही है ना, इसलिए आवाज कर रहा है, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां पर खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागज तू ले जा, और जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जादे सामारो पिया बसे, वो देखना चाहिए, उसको पता चले पीड़ा क्या होती है। उसको मजाक लग रहा है ना ये। तो ऐसे भाव आज गोपियों के हैं कि वो कलेजा निकाल कर देने को तैयार है। उद्धव जी पहुंचते हैं, बैठते हैं, समझ तो जाती है कपड़ों को देखकर कि कृष्ण ने भेजा है। तो कहती है आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। तो बोले ये सोने का मुकुट, ये पीताम्बर, ये उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। तुमको कैसे पता? अब गुस्सा तो है उनके अंदर। तो कहती है अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं, यहाँ तो ग्वाला था, यहाँ कहाँ इतना पहनने को मिलता था। तो वो दिखा रहे हैं कि कितने बड़े बन गए हैं। उद्धव जी ने कहा कुछ नहीं दिखा रहे, तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? बोले मुझे भेजा है समझाने को कि ये रोना धोना, प्यार मोहब्बत, मन ज्ञान पर लगाओ, इन सबको छोड़ो। गोपियां कहती एक बात बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है। तो आपसे एक साधारण सा प्रश्न करते हैं, मन कितने होते हैं? मन माने हृदय, हृदय कितने होते हैं बताओ? एक। उद्धव जी ने भी कहा एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब वो वापस कर दे तो ज्ञान पर लगा दे। ज्ञान पर लगाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए उद्धव जी। तो गोपियों ने कहा चलिए आपकी बात मान भी ले, ज्ञान पर अगर मन लगा भी थे तो हमको मिलेगा क्या?
ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होगा? उद्धव जी ने कहा, मुक्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा। गोपियों ने कहा, यहां कितने हैं जिनको स्वर्ग जाना है, हाथ उठाना। स्वर्ग नरक दो ही जगह है, क्योंकि भगवान के धाम तो देखे वो अब किसी के हाथ की चीज नहीं है, और खास करके कलयुग के जीव के तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अगर दो रास्ते हैं स्वर्ग और नरक, तो आप कहां जाना चाहेंगे? कौन कौन स्वर्ग जाएगा, हाथ उठाओ। ऐसे डर के हाथ उठा रहे, मैं अभी नहीं भेज रही, जब समय आएगा तभी। लेकिन कहां जाना चाहेंगे तब? स्वर्ग, सब स्वर्ग ही जाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा गोपी से कि स्वर्ग मिलेगा। गोपियों ने कहा, ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे, ऐसा स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से नरक मिलेगा, तो हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार हैं। गोपियां कहती है, और आप इतने ज्ञानी हैं, अरे आप सब कहते हैं कि प्रेम ऐसा करो जिसमें स्वार्थ ना हो, तो हमने तो कोई स्वार्थ नहीं रखा, इतना भी स्वार्थ नहीं रखा कि वो वापसी प्रेम करे, फिर भी हमारा प्रेम नष्ट क्यों हो रहा है? हम तो सिर्फ इतना ही स्वार्थ रखते थे कि वो दिख जाए, बस उतना भी नहीं मिल रहा। उद्धव जी कहते, अभी तो कह रही थी कि ऐश्वर्य दिखाते हैं, ये करते हैं, और अब कह रही हो। गोपियों ने कहा, कार्य को छोड़ो जा सके, कि उसको छोड़ सकते हैं भले ही, कि कार्य को छोड़ो जा सके, पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए, इसकी बातें बंद नहीं कर सकते हम, उसीलिए तो जीवित हैं अभी, वरना कब के मर गए होते हम। और गोपियां कहती, हमको पता है आपको हमारी कोई बात समझ नहीं आई, आपको हम पागल लग रहे हैं, सबको लगते हैं। लेकिन गोपियों ने कहा, हमको आपको समझाना भी नहीं, क्योंकि हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो कृष्ण जानता है। गोपियां उद्धव जी से क्या कहती है, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, और यहां सर दे के होते हैं सौदे, यहां सर दे के आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो। आइए हम भी इस प्रेम तत्व को समझते हैं जो हमें भगवान से जोड़ दे। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। सर देखे होते हैं तो
भगवान की पूजा करने के बड़े नियम हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इस समय करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये उनके लिए जो अब तक ऐसे प्रेमी बने नहीं है, जो एक बार प्रेमी बन गया उसके लिए कोई नियम नहीं होते। गोपियां कहती है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उधो। कारण है, वो बताती है, यहाँ दम दम पे, दम दम माने हर सांस में, हर सांस में, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जाते हैं उनको फिर किसी चीज की चिंता नहीं होती। जैसा मैंने कहा ना कि अगर दुख में भी सुखी रहने लग गए हो तो भक्त बन गए हो, ये परिभाषा है भक्त। तो गोपियां कहती है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। और जैसा मैंने कहा था, ऐसा नशा करके क्या फायदा जो रात को किया और सुबह उतर गया। तो जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती,
हर गोपी दिन भर यही गाती रहती है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, ओ नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, ढूंढूं रे सांवरिया, हो गई मैं बावरिया, ढूंढूं रे सांवरिया, हो गई मैं कहती है कि आपको देखने में लग रहा होगा हम दुखी हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है, हमको दुख सिर्फ इतना ही है कि नहीं आएगा कब, बाकी जिंदगी में किसी चीज से हमें दुख नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? गोपियां समझाती है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे, तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से नियारे। जैसा मैंने कहा था, अगर किसी को मनाना है तो इसको मनाओ, ये मान गया तो सब आपके आसपास आगे पीछे होंगे, जब तक ये नहीं मानेगा तब तक आपको सबके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। तो गोपियां कहती है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में वो नजर फिर तरसती नहीं है, नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है सस्ती नहीं है, आपकी इतनी सस्ती नहीं है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की।
महाराज, यहाँ पर उद्धव जी कुछ समय तक रहते हैं और फिर मथुरा वापस आते हैं। मथुरा वापस आए तो भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं कि भगवान ने मस्करी करते हुए कहा, अरे उद्धव बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं, दयालु कृपालु करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब आपने खुद ने रखे, मुझसे सिर्फ गोपियां बात कर सकती है। इतना गुस्सा और उस गुस्से में भी प्रेम कैसे आएगा जब तक व्यक्ति गोपियों के भाव को नहीं समझेगा। तो आज वो ऐसे चिल्ला रहे हैं जबकि वो तो भगवान के पास रहते हैं हमेशा से, पर वो गुस्सा ऐसे कर रहे जैसे वो खुद गोपियों जैसे दूर रहे हैं भगवान से। ये भक्तों का संग होता है। जब भक्तों का संग होना तो आप अपने आप भक्त बन जाते हैं। तो उद्धव जी भी गोपियों के साथ रहकर जो प्रेम तत्व को समझना नहीं चाहता था, आज ऐसा प्रेमी बन गया है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें भेजना सफल हुआ। तो यहां पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान एक दिन फिर से कोशिश करते हैं कि पिछली बार तो माखन चोरी विफल हो गई थी, तो फिर से दोपहर का ही समय चुना क्योंकि दोपहर में सब सोते थे। भगवान माखन के कमरे में जाते हैं, हांडी और अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। अब एक बार खाने के बाद लालच बढ़ गया, भगवान फिर कोशिश करते हैं, दूसरा भोग लगा ही रहे हैं कि पीछे से यशोदा मैया की आवाज आती है, कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय मैया के, ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब भगवान जवाब नहीं दे रहे क्योंकि चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते। यशोदा मैया देख रही है कि भगवान सुन रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे। वो अंदर जाती है, यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता। भगवान कहते, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया कहती है, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या आ गई। भगवान कहते, मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना, भगवान हाथ में सोने के कड़ूले पहनते थे, इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये बहुत गर्म हो जाता है, तो जलन होने लगती है कलाई पर। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैया मैंने आकर माखन की हांडी में हाथ धर दिया तो तुरंत जलन बुझ गई। भगवान भूल गए कि भगवान ने भी भोग भी लगा लिया था और बच्चे खाते कैसे हैं, सब लग जाता है इधर उधर। यशोदा मैया ने कहा, जलन यहां हो रही थी ना। बोले हाँ। तो बोले माखन यहां कैसे लगा। और भगवान हार मानने वालों में से, भगवान कहते मैया शरीर तो एक ही है, अब यहां की जलन बुझ के कोई गायब थोड़ी होगी, कहीं तो जाएगी, तो यहां की जलन तो बुझ गई पर वो चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने माखन मुख पर लगा लियो। अब भगवान को लगा कि आप पता पीछे से खाते हुए भी देख लिया हो। भगवान कहते पर मुख की जलन उधर तक चली गई। मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो पर बस एक बार, उससे ज्यादा नहीं। यशोदा मैया को सब पता है क्या करने आया था, पर उनको इतनी प्यारी लगी ये कहानी कि फिर वही बात वो गोद में उठाती है, अब पड़ोस घर में जा रही है, आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है।
उनका यही काम था, कन्हैया कुछ भी ऐसा करते जो उनको प्यारा लगता वो गोद में उठाती और फिर हर पड़ोस में जाकर आज कन्हैया ने बड़ी प्यारी हरकत की है।